हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे बनाए हुए कुछ ब्लाउज़ के डिज़ाइंस आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप सारे डिज़ाइन आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला ब्लाउज़ कॉलर ब्लाउज़ है। मैंने यहाँ पर कोट कॉलर बनाई है। कोट कॉलर वाला ब्लाउज़ आजकल साड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और ब्लाउज़ सामने से ओपन है, यानी कि सामने मैंने हुक और आई बनाई है, ये देखिए यहाँ पर। और बाकी ब्लाउज़ मैंने सिंपल रखा है, सामने से ये वन टक्स के ऊपर है और स्लीव्स पर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाए हैं। नॉर्मल एल्बो से थोड़ा सा ऊपर तक आएगा ये स्लीव्स। और इस ब्लाउज़ को तैयार करने का तरीका भी मैंने दिखाई है बहुत ही आसान तरीके से। फुल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और ये ब्लाउज़ की बैक पार्ट है। अब चलिए मैं आपको दूसरी ब्लाउज़ दिखाती हूँ। दूसरी ब्लाउज़ मैंने छोटे छोटे से फ्लावर से डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए गले पर मैंने इस तरह से लगाए हैं। ये ब्लाउज़ फ्रंट ओपन है, यानी कि फ्रंट में हुक और आई बनाई है और ब्लाउज़ वन टक्स के ऊपर है। स्लीव्स पर मैंने ये एक बहुत ही अलग सा डिज़ाइन बनाई है, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। और इसका जो बैक साइड है वो बहुत ही प्यारा लुक आता है इस पर पहनने के बाद। ये देखिए ऊपर मैंने एक फ्लावर बनाकर लगाई है और नीचे मैंने बो बनाई है थोड़ा सा अलग तरीके से, ये देखिए। तो गाइस, इस ब्लाउज़ का भी कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, एक बार ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी ब्लाउज़ दिखाती हूँ। दूसरी ब्लाउज़ मैंने कटवर्क पैटर्न से बनाई है। एक मैंने कटवर्क वाला शेप दिया है और उसके ऊपर नॉर्मल डोरी से डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और एकदम छोटे साइज़ का बो बनाकर मैंने लटकन बनाई है, जो देखिए पहनने के बाद इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। स्लीव्स पर मैंने एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाई है, ये देखिए। तो नीचे मैंने दो बो लगाई है और इस पर देखिए बहुत ही स्टाइलिश लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। सामने की तरफ ये टू टक्स के ऊपर मैंने ब्लाउज़ बनाई है, ये देखिए। और ये ब्लाउज़ भी मैंने फ्रंट साइड से ही ओपन बनाई है, जिसको पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। और सामने गले पर मैंने वी वाला शेप दिया है, आपको साइट पर सारे ब्लाउज़ की पिक्चर्स मिल जाएगी। तो अब दूसरी ब्लाउज़ यहाँ पर मैंने पत्ती का शेप बनाई है बैक साइड में, नीचे और ऊपर मैंने दो बटन भी लगाई है और उसके साथ मैंने डोरी से ये डिज़ाइन बनाई है। और नीचे मैंने ये लटकन बनाई है जो बिल्कुल नीचे तक आएगी। पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड पर। और बाकी ब्लाउज़ मैंने नेट और शाइनिंग वाला फैब्रिक से बनाई है। ये ब्लाउज़ फ्रंट ओपन है, फ्रंट में प्रिंसेस कट और पैडेड में है और स्लीव्स पर मैंने पफ स्लीव्स बनाई है और नीचे कटवर्क का पैटर्न दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दूसरी जो ब्लाउज़ है यहाँ पर मैंने पोर्टली बटन से डिज़ाइन बनाई है। और ये जो फैब्रिक है ब्लाउज़ का वो बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, इसलिए मैंने इस पर कोई अस्तर यानी कि लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। ये ब्लाउज़ बैक साइड से ओपन है, यानी कि बैक में हुक और आई मैंने बनाई है। यहाँ पर मैंने पोर्टली बटन बनाई है, सेम जो फैब्रिक है उसी से मैंने पोर्टली बटन बनाई है। और बाकी फ्रंट साइड से ब्लाउज़ प्रिंसेस कट में मैंने रखा है और बाकी स्लीव्स पर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, सिंपल एल्बो तक ये स्लीव्स आएगा। और इस ब्लाउज़ की कमर की साइड पर मैंने वी वाला डिज़ाइन बनाई है, देखिए यहाँ पर कट करके मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बनाई है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक दूसरी ब्लाउज़ दिखाती हूँ। इस ब्लाउज़ पर भी मैंने लाइनिंग यानी कि अस्तर की यूज़ नहीं किया है और इसके बैक साइड पर मैंने नॉर्मल फ्रिल लगाई है, उसके मिडिल पर लेस लगाई है और बिल्कुल मिडिल पर मैंने रेड कलर का एक फ्लावर लगाई है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इस ब्लाउज़ को भी मैंने रेडी किया है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। और इस ब्लाउज़ का जो स्लीव्स है वहाँ पर देखिए मैंने क्रॉस पट्टी लगाकर इस डिज़ाइन को बनाई है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और बिल्कुल मिडिल पर मैंने छोटे छोटे से मोती भी लगाई है, ये देखिए यहाँ पर। नीचे मैंने एक लेस लगाई है और बाकी ब्लाउज़ फ्रंट साइड से प्रिंसेस कट के ऊपर है और ब्लाउज़ फ्रंट ओपन है, यानी कि फ्रंट पे मैंने हुक और आई लगाई है। और फ्रंट पे मैंने गला बिल्कुल सिंपल गोल गले में रख लिया है और जस्ट लेस लगा लिया है। तो अब दूसरी ब्लाउज़ देखिए, नीचे मैंने बो लगाई है और ऊपर लेस लगाकर इस डिज़ाइन को बना लिया है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस ब्लाउज़ का जो स्लीव्स है वहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन दिया है, वो भी मैंने बो से ही बनाई है, ये देखिए। नीचे मैंने एक मोती भी लगा लिया है और बाकी ब्लाउज़ फ्रंट साइड से प्रिंसेस कट में है और पैडेड भी है और फ्रंट में ही हुक लगाई है, ऊपर से सिंपल गोल गला बनाई है और वहाँ पर लेस लगा लिया है। तो इस ब्लाउज़ का भी फुल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दूसरी ब्लाउज़ दिखाती हूँ।
तो देखिए ये वाला ब्लाउज पीस मुझे साड़ी से ही मिला था। ये ब्लाउज मैंने सामने से वन टक्स में रखा है, स्लीव्स एल्बो तक बनाए हैं, स्लीव्स पर बॉर्डर है और उसके नीचे मैंने गोटा पत्ती का लेस लगाई है और ऊपर नेक का पैटर्न मैंने गोल रखा है, वहाँ पर भी मैंने लेस लगाई है। और ये ब्लाउज बैक ओपन है, बैक साइड पर मैंने फ्रिल लगाकर इस डिज़ाइन को बनाए हैं, जहाँ पर मैंने दो लेस का यूज़ किया है और बाकी ब्लाउज मैंने सिंपल रखा है। अब चलिए मैं आपको लास्ट ब्लाउज दिखाती हूँ। तो ये ब्लाउज का पीस भी मुझे साड़ी से ही मिला था। तो ये ब्लाउज मैंने सामने से प्रिंसेस कट में रखा है और ये ब्लाउज की बैक साइड है, बैक साइड पर मैंने ऊपर से ये डिज़ाइन बनाई है। स्लीव्स का जो बॉर्डर है उसी कलर से मैंने गले पर यानी कि फ्रंट और बैक साइड पर जो डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर सिंपल धागे से नॉर्मल मशीन से मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। सामने से ये ब्लाउज ओपन है, प्रिंसेस कट में है और सामने ही मैंने हुक बनाई है। तो गाइस कौन सा ब्लाउज आपको ज़्यादा पसंद आया है वो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरी वीडियो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।